मुझे अनवर दस्तक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अनवर दस्तक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की मेरा विरोध करने पर। मैंने जब कहा कि मैं आपकी कंप्लेंट थाने में करूँगी, तो उसने कहा कि मैं सबके सामने आपसे शादी करके आपको स्वीकार करूँगा। उसके बाद वो मेरा साथ ज़बरदस्ती करता रहा। मैं जब भी उससे शादी की बात बोलती तो वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर मुझे टाल देता। अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने उससे कहा कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं या नहीं, तो उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर खबरदार जब शादी की बात की तो जान से मार दूंगा, पैसे ले लो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैंने जब कहा कि नहीं, आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे अभी तक शादी का झूठा झांसा देते रहे, सितंबर की रात को उसने उसके आदमियों को भेज के मेरे घर में जबरदस्ती घुस के वो मेरा मोबाइल छीन के ले गए, मेरे बेटे को भी साथ ले गए। उस मोबाइल में अनवर दस्तक की मेरी बहुत सारी बातें रिकॉर्डिंग थी और उसका आदमी बोल के गया घबरू के, बोले पासवर्ड अनवर भाई को बताकर अपने बेटे को बुलवा लो। मैं अपने बेटे के लिए बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उसको पासवर्ड बताया, तब जाके उन लोगों ने मेरे बेटे को छोड़ा। और उसकी तरफ से लगातार सलीम दस्तक और उसकी धमकियां मेरे पास आ रही है। मेरे घर के नीचे भी उसने उसके आदमियों को छोड़ रखा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे मेरे बच्चों को उससे जान का खतरा है। आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे इंसान तो लाइए, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं आप लोगों के आज मुझे मेरे बच्चे की सुरक्षा कीजिए, मैं आप लोगों के आज जोड़ती हूँ, मुझे इंसान मिले। सर एक महिला पूछ रही खजराना, खजराना थाना क्षेत्र में एक पीड़िता द्वारा दुष्कर्म के मामले का रिपोर्ट किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि शादी का झांसा देके व्यक्ति ने उनके साथ मतलब काम किया है। तो जो भी इनकी रिपोर्ट है उस पर खजाना की पुलिस उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रही है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उससे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति अनवर करके है, उनका उन्होंने बताया है, बाकी थाने पर भी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं है, वो थाने पर गई रिपोर्ट दर्ज कराने। तो फाइनल रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि कौन आरोपी है और क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट हैं उसके।